हेलो फ्रेंड, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम दोस्तों जीएस की इस मॉर्निंग डोज में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए हैं। क्या है ना, कई दिनों से जो है आपका मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा था तो आप लोग हो गए थे बोर, तो मुझे लगा यार चलो थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहिए और आ गया हूं मैं फिर से वन लाइनर जीएस पर। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके ये वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आपको विश्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका जवाब आपको देना है। फिलहाल देना क्या सामने लिखा है, बट हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती चलेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो याद रखिए दे रहा है कि 7 अरब से अधिक है। अभी तो सन चल रहा है दोस्तों 2018, और हमारे यहाँ जो जनगणना होती है वो हर 10 साल पे होती है। इसे 2011 में हुआ था, इसके बाद अब 2021 में होने वाला है, 2011 के पहले 2001 में हुआ था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिए हर 10 साल पे यहाँ पर होती है जनगणना। ठीक है, और उसी हिसाब से देखा जाता है। तो इस समय अगर भारत की आबादी की बात करें तो 130 करोड़ से अधिक हो चुकी है भारत की आबादी, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो 7 अरब से अधिक का जनसंख्या हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है। ठीक है, लेकिन अगला आगे हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम चीन को भी पीछे कर देंगे। हाँ ऐसा है, हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं आबादी का बढ़ना, ये देश को पीछे लेके जाता है। देखिए आबादी कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का काम करती है, मानव संसाधन का रूप माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आवश्यकता से अधिक आबादी हो जाए तो उनको ठीक ढंग से चला पाना, ठीक है, उनको सब कुछ मुहैया करा पाना, उनको मूलभूत सुविधाएँ दे पाना, ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिलहाल के लिए तो चीन है और दूसरे नंबर पर आपका जो है वो भारत है। आगे देखिए, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो लोग गलती करेंगे, पता कहाँ पर, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि जो अरेबियन कंट्री है जैसे सऊदी अरबिया हो गया, उधर कतर, यमन, ओमान, ये सब हो गया, या ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, ये सब वाला जो बेल्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया जो है दोस्तों ये सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है, इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या है, द्वीप समूह, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं यहां पर, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह भी कौन सा माना जाता है, इंडोनेशिया। हालांकि जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपको कौन माना जाता है, ग्रीनलैंड को कहा जाता है। अगला है विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश का नाम बताना है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है, और सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है, तो मालदीव है, हिंद महासागर में पड़ता है मालदीव। ठीक है, जहां लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप से सीधा नीचे जाएंगे देखेंगे तो मालदीव का आपको मिल जाएगा। आगे, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। जैसे अगर आ जाए तो ज्यादातर लोग इंग्लिश करते हैं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, सबसे ज्यादा मंदारिन भाषा बोला जाता है, जो कि चीन की भाषा है, मंदारिन नाम है, उसको बोला जाता है। अगला है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो इजराइल दोस्तों विश्व का एकमात्र यहूदी देश है, और भारत का इजराइल के साथ जो संबंध है ये काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, भारत के रक्षा जो उपकरण आते हैं वो ज़्यादातर आपको इजराइल से आते हुए मिलेंगे या रसिया से आते हुए मिलेंगे, दो इसके अच्छे देश हैं। ठीक है, इस मामले में तो इजराइल के मामले में बात और याद रखिए दोस्तों कि इजराइल की 100% जनसंख्या जो है, यानी वहाँ के जो 100% लोग हैं टोटल लोग, ठीक है, उन सभी को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया है, यानी समय पड़ने पर वो इजराइल के सेना के रूप में काम करेंगे। ठीक है, ये ऐसा है यहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। जनसंख्या घनत्व माने क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 1000 में से, उसको जनसंख्या घनत्व नाम देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो घनत्व है वो आपके मकाऊ में है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, ठीक है, मतलब इतना बड़ा जगह था, इसमें जो एक तल्ले का घर बना था तो इसमें 12 लोग रह रहे थे, इसमें 2 तल्ले का घर बन गया तो इतने में 24 लोग रह रहे हैं, इतने में जो है 50 तल्ले का घर बन गया तो ये क्या हो गया, 1200 लोग रहते हैं, और इतने में 100 तल्ले का घर बन गया तो 2500 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों ये डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक मतलब कि डेंसिटी मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व मतलब कि छोटे से देश में ज्यादा से ज्यादा लोग कहां पर रह रहे हैं, तो मकाऊ, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है, तो याद रखिए जावा सुमात्रा, देखें ना यार, इंडोनेशिया के ठीक नीचे आप देखेंगे जावा सुमात्रा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये सब वहां पे देश छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, तो उसमें जो जावा द्वीप है इसमें जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है।
अच्छा, समय समय पर दोस्तों ये आंकड़ा भी चेंज होता रहेगा। तो अभी 2018 चल रहा है, आंकड़ा कुछ और है, ठीक है, इसके बाद हो सकता है आंकड़ा कुछ और हो। आगे देखिए कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, हमारे एशिया महाद्वीप पर है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, और इसमें सबसे कम जनसंख्या भी निवास कम करती है, ठीक है। आगे है, अच्छा जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी वहाँ कम है। आगे है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है, सार्क देशों में सबसे घना कौन सा है, तो बांग्लादेश जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा घना है। घना मतलब वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सार्क कंट्री में। आगे देखिए सर्वाधिक पशुधन देश वाला कौन है, पशुधन वाला देश कौन है, तो ऐसे में दोस्तों भारत का भी नाम आता है और ब्राज़ील का नाम भी आता है, ठीक है, और दोनों को याद रखिएगा आप इस मामले में, हालांकि ब्राज़ील और भारत दोनों याद रखिएगा सर्वाधिक पशुधन वाले देशों में इन दोनों का नाम। आगे है देखिए यहाँ पर सबसे नंबर वन नहीं पूछा है, सर्वाधिक पूछ रहा है। अगला है संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है, देखो लोकतंत्र नहीं, सबसे प्राचीन राजतंत्र बात कर रहा है, तो ये जापान का है। सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है, जापान का। आगे संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है, कि कौन सा देश है जहाँ की प्रजनन दर न्यूनतम है, तो स्वीडन है दोस्तों। स्वीडन कहाँ पड़ता है, ये यूरोप कंट्री है ना, यूरोप के ऊपर आप देखोगे तो इधर नॉर्वे पड़ता है, नॉर्वे के बाद स्वीडन पड़ता है, स्वीडन के बाद फिनलैंड पड़ता है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, सब याद रखें, ठीक है। तो स्वीडन यहाँ पर है, स्वीडन वही देश है दोस्तों जहाँ के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1896 में, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने किया था, और इसके लिए जो है उनके मृत्यु के बाद एक फंड बना दिया गया जिसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, उसी फंड से बांटा जाता है, ठीक है। तो वही स्वीडन है, उसी की राजधानी थी स्टॉकहोम, याद रखिए। आगे न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, तो याद रखिए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का लोकेशन अगर आप पूछो हमसे तो मैं बता दूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को देखा है कुछ इस तरह से मैप है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखोगे पपुआ न्यू गिनी, थोड़ा सा आगे जाओगे जावा सुमात्रा, इस वाली कंट्री पड़ेंगी, ठीक है, और नीचे इधर आपका तस्मान सागर, तस्मानिया देश भी पड़ता है, और यहां सबसे कोने में देखेंगे नीचे साइड एकदम कोने में, तो यहां आपका जो देश पड़ता है यह न्यूजीलैंड, यह कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, और यहां के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, जिस तरह से अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है, उसी तरह से न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, माओरी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, यह भी लगे हाथ याद रखिए, तो उनको अबोरिजिन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स, एबोर जिन्स, ठीक है, याद रखें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं, एबोरिजिन्स बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, तो जींस, जींस जो कपड़ा होता है पहनने वाला, जींस लिया, क्या लिया तुमने भाई, तो जींस लिया, तो याद रखिए एबोरिजिन्स लिया। आगे देखिए यूर्त क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए यूर्त क्या होता है, तो याद रखिए खिरगिज एक जनजाति होती है, उनके घरों को नाम दिया जाता है यूर्त, ठीक है, जिस तरह से इग्लू, इग्लू होता है ना दोस्तों, इग्लू घर बना के रहते हैं, बर्फ़ वाले घर को इग्लू बोला जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से खिरगिज जनजाति जो है उनके घर को क्या बोला जाता है, यूर्त कहा जाता है। अफ्रीका के मूल निवासियों में या मूल जनजातियों में पिग्मी जो है ये कहाँ की कहाँ निवास करती है अफ्रीका में, तो याद रखिए दोस्तों कांगो जो नदी है उसकी, नदी की जो घाटी है, जैसे नदी यहाँ बह रहा है तो नदी के आसपास का जो गांव है, अगल बगल का जो इलाका है, उसी को घाटी नाम दिया जाता है, तो कह रहा है कांगो नदी घाटी में ये जनजाति निवास करती है पिग्मी, याद रहेगा पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती, कांगो नदी घाटी में। आगे दक्षिण अमेरिका के आदिवासियों को क्या कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका के आदिवासियों को, नाम तो यहाँ आदिवासी दे रहा है बट मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो उनको मॉरिस कहा जाता है, क्या बोलते हैं, मॉरिस, याद रहेगा। एबोरिजिन्स किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को, माओरी न्यूजीलैंड को, और मॉरिस कहां पर है, आपके दक्षिणी अमेरिका में है, पिग्मी कहां पर है, तो अफ्रीका में कांगो नदी घाटी में, सब याद रखिए। आगे बूसमैन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, बूसमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, तो कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों, यह अफ्रीका में बोत्सवाना देश पड़ता है, वहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल और वहाँ पर है बूसमैन, कौन है, बूसमैन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सर्वाधिक अमली वर्षा कहाँ होती, तो जो नॉर्वे है, स्वीडन है, जो उत्तरी ध्रुव के करीबी वाले देश हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमली वर्षा होती है, ठीक है, तो नॉर्वे का नाम सबसे ज़्यादा इसमें आता है अमली वर्षा में। आगे मक्का कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मक्का सऊदी अरबिया में स्थित है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मक्का जो है दोस्तों वो पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसी वजह से भारत में जो लोग नमाज अदा करते हैं उनका मुख भी हमेशा किस तरफ होता है, पश्चिम की तरफ मुख करके, यानी मक्का की तरफ मुख करके नमाज को अदा करते हैं, ये भी
बात याद रखिएगा। आगे चकमा क्या है, तो बोल चकमा देना है। चकमा वैसे क्या है, तो दोस्तों बांग्लादेश के शरणार्थियों को नाम दिया जाता है चकमा। कहाँ के शरणार्थियों को, बांग्लादेश के शरणार्थियों को क्या कहा जाता है, चकमा कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ पर है, तो ये मेरियाना गर्त है दोस्तों, प्रशांत महासागर में। और इसकी गहराई की बात करें तो 11033 मीटर, मीटर की बात कर रहा हूँ, फुट की बात नहीं कर रहा हूँ। फुट चाहिए तो इसमें 3 का गुणा कर लीजिए, जो भी आता है दोस्तों, इतना फिट गहरा है दोस्तों ये मेरियाना गर्त। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर। दो बहुत गहरे गहरे गर्त हैं, एक तो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, एक और आता है दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल, वहाँ पर भी एक गर्त देखने को मिलता है, और ये जो है आपके अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। आगे है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि अफ्रीका से निकलती है, चलती वहाँ पे बहती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है दोस्तों नील नदी, विक्टोरिया झील से। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे, मिस्र को किसकी देन कहा जाता है, तो नील नदी की देन कहा जाता है, और अफ्रीका की गंगा कहा जाता है नील नदी को, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ गंगा नदी को एक पौराणिक मान्यता मिली हुई है, उसी तरह से अफ्रीका में नील नदी को मान्यता मिली है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा, मिस्र की राजधानी कहां पर है, काहिरा, और यह सबसे बड़ा शहर है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो चाइना में बहती है यांग टीसी क्यांग, क्या नाम है, यांग टीसी क्यांग, यहां टीसी की जगह दोस्तों टीसी करिएगा, ठीक है, यांग टीसी क्यांग, ठीक है, याद रखिएगा, चाइना में बहती है, चीन में मतलब, और एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ठीक है, तो पामीर का पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, पामीर का पठार, ठीक है। आगे है, अच्छा, विश्व की छत भी किसको कहा जाता है, तिब्बत को पठार को विश्व की छत कहते हैं, वो सब याद रखेगा। अफ्रीका को क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका को दोस्तों अंध महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, और सभी जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में सबसे पिछड़ा, सबसे मतलब कि जितना खराब उसको बोल सकते हो बोल सकते हैं आप, ठीक है, अफ्रीका को कहा जाता है, क्यों, बहुत पिछड़ा है, मतलब अविकसित है, एक प्रकार से विकासशील भी नहीं कहोगे, अविकसित में देखने को मिलता है अफ्रीका, और इसी इन्हीं सब वजहों से इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। बॉक्साइड उत्पादक अग्रणी देश का नाम बताना है, तो बॉक्साइड, बॉक्सिंग याद रखिए, तो वैसे भी आप लोग चाइनीज मूवी अगर देखते होंगे तो उसमें बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो याद रखिए बॉक्साइड जो है ये उत्पादक कहाँ, कौन अग्रणी देश है, चीन, ठीक है। ब्राज़ील के कहवा क्या कहलाते हैं, तो ब्राज़ील के कहवा को दोस्तों बिग फैजेंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिग फैजेंडा, क्या बोलते हैं, बिग फैजेंडा। वैसे हमारे यहाँ जो काफ़ी की प्रकार एक काफ़ी होता है, ठीक है, उसका अरेबिका प्रकार जो है दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है और सबसे बढ़िया माना जाता है, फिलहाल कहवा के मामले में याद रखना आप, ठीक है, कहवा पत्तन भी यहाँ ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है, तो बिग फैजेंडा याद रखिएगा। सर्वाधिक कहवा या काफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील ही है, ठीक है। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है, ठीक है। आगे है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो है दोस्तों ये किम्बरले में है। वैसे अगर हम भारत में हीरे की खान की बात करें तो पन्ना जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का, वहाँ पर जो है हीरा पाया जाता है, याद रखिएगा। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो सबसे बड़ी खान जो है ये किम्बरले में है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और सोने की खान भी यहाँ, सोने की खान अगर सबसे बड़ी खान, वैसे सोने की खान भी दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में सोने की भी है और हीरे की तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है किम्बरले वाला। लेकिन अगर सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ पर, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, तो ओंटेरियो बताइएगा, क्या बताइएगा, ओंटेरियो खान है दोस्तों, कनाडा देश में है, अमेरिका के पास पड़ता है सबसे ऊपर, ठीक है, कनाडा, वहाँ याद रखिएगा, वहाँ पर सोने की सबसे बड़ी खान मौजूद है, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो कैनेडी हवाई अड्डा है दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कहा जाता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है, तो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन करता है, और मक्का एक ऐसा फसल है दोस्तों जिसका उत्पादन वर्ष भर होता है, पूरे वर्ष भर होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, इस वजह से मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे, कपास तथा ऊन उत्पादक अग्रणी देश कौन है, तो कपास और ऊन दोनों के ही उत्पादन में चीन का पहला स्थान आता है। हालांकि अच्छे क्वालिटी का ऊन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ऊन भी बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा, बट अभी ये चीन ही यहाँ पे करिएगा। आगे, सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो एस्बेस्टस पाया जाता है रूस में, और एस्बेस्टस जो पत्थर होते हैं दोस्तों इसमें स्पेशल क्वालिटी के, और इनसे जो है बहुत खतरनाक रोग भी होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से जो पूछ रहा है वो याद रखिए कि एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रूस में पाया जाता है, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है। आगे देखिए, रेड इंडियंस और मैक्सिको के निवासियों को, निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह, ये कहाँ की प्रजातियाँ हैं, तो रेड इंडियंस और निग्रो ये दोनों जो है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका की प्रजातियों का नाम है। प्रजातियाँ मतलब वहाँ की जनजातियों समूह का नाम है, या वहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है, रेड इंडियंस और निग्रो।
अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अटाकामा याद रखें, कालाहारी जो है वो बोत्सवाना अफ्रीका में था, और अटाकामा कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे है? तो पेरिस में पड़ता है एफिल टावर, और एफिल टावर देखने लायक है, देखने मतलब सीन करने लायक है, तो ये सीन नदी के किनारे, याद रखिएगा। कौन सी नदी? सीन नदी। सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है? तो बुर्ज खलीफा दुबई में है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत इसको माना जाता है। ठीक, अब समय समय पर बदलता रहेगा, आगे कोई और देश होगा, अभी चाइना भी बना रहा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि जैसे कोई नया देश बनाएगा, आज चाइना बना लेगा, कल को फिर कोई बनाएगा, तो एकदम रटने वाली बात नहीं है। 2018 के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो बुर्ज खलीफा याद रखिए। आगे है पेटोनेस टावर, ये कहाँ पर स्थित है? तो क्वालालंपुर पड़ता है दोस्तों मलेशिया में, मलेशिया में पड़ता है, क्या वहाँ की राजधानी है। ठीक है, क्वालालंपुर, क्वालालंग लांग करिए यहाँ पर, क्वालालंपुर, और यहाँ पर है पेटोनेस टावर। क्या है? पेटोनेस टावर। सियर्स टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये शिकागो में है अमेरिका में, और यहीं पर जो है विवेकानंद जी गए थे। ठीक है, जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर गए थे हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा शिकागो अमेरिका, यहाँ पर सियर्स टावर है। सीएन टावर कहाँ पर है दोस्तों? अच्छा देखिए, टावर माने क्या लगता है? टावर मतलब बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंगों को टावर नाम दिया जाता है। ठीक है, सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को टावर नाम दिया जाता है। सीएन टावर कहाँ पर स्थित? तो टोरंटो है कनाडा में। ठीक है, टोरंटो, और अभी एक गाड़ी भी आ चुकी है टोरंटो, याद रखिएगा, टोरंटो एक गाड़ी है ना, तो उसको याद रखिएगा। और सीएन टावर ये कहाँ पर है? टोरंटो कनाडा। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, बहुत लंबा है, मतलब हफ्ते भर लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर भारत का पूछता है तो विवेक एक्सप्रेस है, याद रखिएगा। कौन सा? विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली ट्रेन है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो वही पेरिस वाले टावर को एफिल टावर बोला जाता है, सीन नदी के किनारे। ठीक है, जूट तथा दूध उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो भारत दोस्तों इसमें अग्रणी, बाकी नींबू वगैरह में भी अग्रणी है। ठीक है, आगे अभ्रक तथा सोना उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो अभ्रक में भी और सोना में भी, दोनों में जो है चीन है। एस्बेस्टस में अभी हमने देखा था, एस्बेस्टस में दोस्तों ये रूस था। ठीक है, एस्बेस्टस में रूस था, और बॉक्साइट में जो कौन था? तो चीन था, याद है ना आपको। आगे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश वैसे थाईलैंड है, लेकिन निर्यातक यानी एक्सपोर्ट करने में दोस्तों इंडोनेशिया का नंबर वन स्थान है। और भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो केरल, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में होता है, भारत के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, अभ्रक के बारे में पूछता अगर भारत के मामले में, तो क्या बताते हैं हम? तब बताते हैं झारखंड में भी होता है, वैसे सबसे ज़्यादा वहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, इसके बाद झारखंड, फिर आपका राजस्थान में भी है। ठीक है, और सोना का बात कर देता हूँ तो सीधे फिर हम क्या बोलते हैं, वही गोलकुंडा के पास है। ठीक है, तो कर्नाटक में, कर्नाटक अग्रणी है सोने के उत्पादन में। ठीक है, ये सब याद रखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखिए, सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ पे थी? किम्बरले, वहाँ पे थी ना, कनाडा में, याद रखिएगा। और किम्बरले जो था दोस्तों ये हीरे वाली थी, ये आपका साउथ अफ्रीका। आगे देखिए, कह रहा है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो ये आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि वही अलास्का के बीच में पड़ेगा ना, अलास्का और रसिया के बीच में, ठीक पड़ेगा, बेरिंग जल संधि, याद रखेगा। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गई हुई है। आगे, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल अलग करता है दोस्तों फ्रांस को यूके से। अब यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देशों को मिला करके इसका नाम पड़ा यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब संयुक्त किंगडम। ठीक है, संयुक्त राज्य। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका अलग है और संयुक्त राज्य अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग है। ठीक है, और वो जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम है, याद रखिएगा। तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उनको प्रेरी घास का मैदान कहा जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों गेहूँ वगैरह का उत्पादन होता है, प्रेरी घास का मैदान। ठीक है, आगे, दक्षिणी अमेरिका का उफड़, देखिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका जब दिया था तो यहाँ शीतोष्ण दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण पेटी आ जाती है, वहीं जबकि दक्षिणी अमेरिका में उफड़ पेटियाँ हैं। तो शीतोष्ण पेटी में जो, ये भी घास का मैदान, ये भी घास का मैदान है, लेकिन अंतर है दोस्तों कि, अच्छा, घास का मैदान देखिए अलग होता है, यहाँ पर उफड़ मरुस्थल वाले घास के मैदान भी हैं, ये अलग है। जैसे आपका लानोस है, कंपोस है, ये सब जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में है, और शीतोष्ण जो है आपका प्रेरी में है। ठीक है, प्रेरी कहलाता है, ये आपके उत्तरी अमेरिका में है। कह रहा, दक्षिण अमेरिका का उफड़ मरुस्थल कौन सा है? तो पेंटागोनिया जो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ का उफड़ मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कहाँ पर स्थित है? तो अल अजीजिया, ये लीबिया के पास पड़ता है अफ्रीका में, अल अजीजिया, याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे गर्म स्थल है, जो रिकॉर्ड किया गया था शायद 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है,
आगे संसार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो बर्खोयास्क है, ये साइबेरिया में स्थित है दोस्तों, एकदम उत्तरी ध्रुव के एकदम करीब में है बर्खोयास्क। आगे एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो जैकोबाबाद, कौन सा, जैकोबाबाद है, ये पूरे एशिया का सबसे गर्म स्थल है पाकिस्तान के पास। आगे है अफ्रीका के उफड़ घास के मैदान को सबाना और शीतोफ्र घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो अफ्रीका में जो उफड़ घास का मैदान उसको नाम दिया था सबाना का मैदान, जबकि शीतोफ्र घास के मैदान को बोला था वेल्ड का मैदान। ठीक है, वेल्ड क्या बोलते हैं, वेल्ड याद रहेगा आपको, वेल्ड। ठीक है, तो वेल्ड से वेल्डिंग याद रखिएगा, एकदम नीचे साइड होता है। आगे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज या प्यासी भूमि या कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। याद रखिएगा कंगारू यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, तो लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज फिलहाल याद रखिए आप, प्यासी भूमि। अच्छा, लैंड ऑफ थंडर बर्ड किसको बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। भूटान को कहा जाता है दोस्तों लैंड ऑफ थंडर बर्ड, याद रहेगा। आगे देखिए संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान जो पंपास है ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है अर्जेंटीना का हृदय, क्योंकि अर्जेंटीना देश के बिल्कुल पास में है, उसके बीच में स्थित है, तो अर्जेंटीना का हृदय नाम दिया जाता है पंपास के मैदान को, घास के मैदान को। तो याद रखिएगा टीना पास, इस बार के पीसेस में आया भी था क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो टीना पास याद रखिए, टीना पास। आगे देखिए विश्व में घास रहित मैदानों को क्या कहा जाता है, सॉरी घास रहित मैदानों को क्या कहा जाता है, तो सवाना घास का मैदान। ठीक है, घास रहित मैदान को के कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता कौन थे, तो अनेक्जीमेंडर थे, विश्व में सबसे पहले इन्होंने मैप बनाया था, विश्व का मैप बनाया था अनेक्जीमेंडर ने। ठीक है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो ये फिलहाल जापान को बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है वो न्यूजीलैंड में दिखाई देता है। फिलहाल आप याद रखिए जापान को ही कहा जाता है, एकदम 100% सही है, लेकिन इसके पहले जिस समय जापान को कहा जाता था उस समय तक न्यूजीलैंड की खोज नहीं हुई थी, उसकी खोज बाद में हुई है। अगर आप मैप में देखेंगे तो जापान की अपेक्षा न्यूजीलैंड का जो लोकेशन है वो अधिक पूरब में, इसका मतलब कि जापान से पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है, न्यूजीलैंड में दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर वो होना चाहिए, बट लोग जापान को ही मानते हैं शुरू से लेके आज तक। ठीक है, मैं आप जानकारी के लिए आपको बता दिया। मध्य रात्रि का सूर्य का देश कौन सा कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास में स्थित है, इस वजह से कभी कभी रात में यहाँ पर जो है पाँच पाँच सूर्य दिखाई देते, जो नज़दीक के तारे होते हैं ना वो भी सूरज के जैसे चमकते दिखाई देते हैं। आगे है आब उल मंदब जल डबरू मध्य कहाँ पर है, अब जल डबरू मध्य के रूप में कौन जाना जाता है, तो आंसुओं के प्रवेश के द्वार के रूप में जाना जाता है वाब उल मंदब। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है, कहाँ पर होता है, तो मासिनराम। एक समय में जो है चेरापूंजी हम लोग पढ़ते थे, बट मासिनराम याद रखिएगा, 1140.5 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों सहारा है उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका में। ठीक है, और सबसे और पूरी अगर एशिया का पूछ दें यहाँ पर, तो ये एशिया में याद रखें दोस्तों गोबी का मरुस्थल है, मंगोलिया में है गोबी का मरुस्थल, पूरे एशिया में है, और वर्ल्ड में पूछ देता है तो फिर सहारा उत्तर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा तेल का एक्सपोर्ट करता है, तो याद रखिए सऊदी अरबिया जो कंट्री है ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है तेल का। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान का जो है नंबर वन स्थान है पूरे विश्व में। आगे है सेसेल्स, मेडागास्कर और डिगोगोर्सिया द्वीप, हिंद महासागर या अन्य नाम अंध महासागर में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है इन सभी में, तो याद रखें दोस्तों बोर्नियो, जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप दोस्तों ये सबसे बड़ा द्वीप है। आगे है दोस्तों हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा, जैसे मेरियाना गर्त जो था वो प्रशांत का था, तो कह रहा हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है, उसको सुंडा गर्त नाम दिया गया। क्या बोलते हैं, सुंडा गर्त, हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है गहरा। आगे देखिए करा सार्गासो सागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका भाग क्या कराता है, इसका एक भाग है कौन सा, प्यूटो रिको ट्रेंच। याद रखें दोस्तों सार्गासो सागर ये समुद्र में फैले हुए ऐसे घास हैं कि अगर इसमें कोई भी जहाज चली जाए ना तो फंस जाएगी, कभी निकल नहीं पाएगी, मर जाएंगे वहाँ पर लोग। ठीक है, सार्गासो सागर, ठीक है, आप एक बार इसका इमेज खोल के देखिए यूट्यूब पर या फिर कहीं भी देखिए, आपको बहुत मज़ेदार दिखेगा। ठीक है, सार्गासो सागर पूरे समुद्र में ही ऐसी घास है उग गई है, ऐसी घास उग गई कि उसमें कोई जहाज चला जाएगा तो फंसा लेती हूँ जहाज। ठीक है, फिर वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो याद रखिए इसका एक गहरा भाग है जिसको बोलते हैं प्यूटो रिको ट्रेंच। ठीक है,
अफ्रीका स्थित कांगो नदी बिस्वत रेखा तथा लिम्पोपो नदी किस रेखा को दो बार काटती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कांगो नदी जो है दोस्तों ये बिस्वत रेखा को दो बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है जो दोस्तों ये मकर रेखा को दो बार काटती है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा, बिस्वत रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो, और लिम्पोपो नदी किसको काटती है? मकर रेखा को, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा है। आगे, एकमात्र द्वीप समूह कौन सा है जिसे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएँ गुजरती हैं? तो वो महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ इतना ज़्यादा इसकी लंबाई है कि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आगे, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर ही बनता है दोस्तों, नदी द्वारा ही बनाया जाता है स्टेनली जलप्रपात। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो जाम्बेजी नदी द्वारा बनाया जाता है विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, याद रखेगा। और विक्टोरिया एक झील भी अफ्रीका में, जहाँ से नील नदी निकलती है। आगे, बूडापेस्ट से होकर कौन नदी बहती है? तो डेन्यूब नदी है दोस्तों, ये बूडापेस्ट से होकर बहती है। कौन सी नदी वाशिंगटन से होकर बहती है? वाशिंगटन डीसी का नाम सुना होगा अमेरिका में, तो पोटोमैक नदी है वहाँ पर, पोटोमैक नदी वो वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत कहाँ पर है? तो काला पर्वत भूटान में है, हालांकि ब्लैक, व्हाइट, ब्लू ये सब पर्वत पूछता है, तो याद रखिएगा ये आपके अमेरिका में स्थित है। और सेवन कलर माउंटेन कहाँ पर है? तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका में पड़ते हैं और चाइना में भी पड़ते हैं। और काला पर्वत स्पेशली पूछ दे तो फिर क्या बोलेंगे? भूटान में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है विश्व में सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अमीर देश है दोस्तों कतर, क्या है? कतर, कतर का नाम सुना होगा, ओमान, कतर का नाम सुना होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कतर विश्व में सबसे अमीर देश है। सबसे गरीब देश लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो ये जो कांगो देश है, जहाँ पर कांगो नदी बहती है वहीं पर कांगो देश है, वो सबसे गरीब देश की श्रेणी में गिना जाता है। सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? राजतंत्र के बारे में, सबसे पहला राजतंत्र कहाँ हुआ था? जापान, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? तो नौरू को दोस्तों सबसे छोटा गणतंत्र कहते हैं, 21.3 किलोमीटर का मात्र है। न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो बुर्किना फासो। कौन सा है? सबसे कम जो ट्रेसी रेट है वो कहाँ पर है? बुर्किना फासो में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी इक्वेडोर दक्षिणी अफ्रीका में, अमेरिका नहीं, तो याद रखिए कोटोपैक्सी, ठीक है, इक्वेडोर, इक्वेडोर, इक्वेडोर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में देश है इक्वेडोर ना, एक बार देखिए दोस्तों इसको बताएगा तो। आगे, घड़ियाँ बनाने एक्चुअली क्या होता है ना यार, कि देखो पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग में कई बार चीज़ें इतनी मिक्स कर दी जाती है ना कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं यार कि क्या हो गया अचानक से। अभी थोड़ा सा सोचेंगे तो उसके अगल बगल का सारा मैपिंग दिमाग में खुल जाएगा, लेकिन क्या है कभी यहाँ फटाफट कवर करना है 100 क्वेश्चन, तो पहले उस पर फोकस करते हैं। चलो ठीक है, आप लोग खुद ही एक्सपर्ट हो, जान जाओगे, आप लोगों को भी खुद पता होगा इतनी सारी चीज़ें। घड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है? तो स्विट्जरलैंड दोस्तों इस मामले में सबसे फेमस है घड़ियों के मामले में। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, बड़ा नहीं सबसे चौड़ा जल डमरूमध्य कौन सा है? तो याद रखे ये आपका डेविस जल डमरूमध्य है, ये ग्रीनलैंड और मैफिन द्वीप के बीच में है, ये सबसे चौड़ा है। आगे, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी के मामले में याद रखिएगा मैक्सिको, चांदी में कौन है? मैक्सिको। और तांबा में चिली है, तांबा में कौन सा है? चिली, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। सोना में कौन सा था? तो चाइना था। आगे है, चाइना मतलब चीन। जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तांबा और जस्ता दोनों में ही, नहीं, तांबा जो था वो चिली, और जस्ता जो है फिर से चीन आ गया, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्योंकि पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ, इस वजह से इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और अनंत महाद्वीप किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। ब्राजील में उफ्र आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो सेल्वास कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेल्वास। उफ्र आर्द्र वनों को सेल्वास नाम दिया जाता है। कागज़ के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? हालांकि सबसे पहले कागज़ ने कहाँ पर निर्माण हुआ था इसका? तो ये चीन में हुआ था, लेकिन अभी कागज उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? कनाडा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, जो मेक्सिको की खाड़ी है, वहाँ पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो हरिकेन कहा जाता है और टार्नेडो कहा जाता है। मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, यस आकार में बना हुआ है, यहाँ पर मेक्सिको देश है, ठीक है, मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी है, और नीचे चले जाएंगे पनामा नगर पड़ जाएगा, ऊपर देखेंगे अमेरिका पड़ जाएगा, इसके ऊपर देखेंगे कनाडा पड़ जाएगा, तो यहीं पर है, ठीक है। जहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी है उसी खाड़ी के पास आपको क्यूबा कंट्री मिलेगा, वेस्ट इंडीज़ वगैरह मिलेगा, आगे बढ़ेंगे बर्मुडा ट्रायंगल भी मिलेगा, फ्लोरिडा में मिलेगा, ये सारे पढ़ते हैं। तो फिलहाल याद रखिए यहाँ पर कि यहाँ कौन से चक्रवात चलते हैं, तो हरिकेन और टार्नेडो,
ठीक है। विश्व विख्यात सोने की खान कनाडा, कनाडा याद है ना, वो कनाडा वाली सबसे बड़ी खान थी, लेकिन यहाँ पर सबसे फेमस पूछ रहा है तो कालगुर्गी और कालगुर्डी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा कालगुर्ली और कुलगाड़ी, ठीक है, दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। आगे दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन, ठीक है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं, तो एशिया, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है इस वजह से महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको बोलते हैं, तो यूरोप कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, याद रखिएगा, ठीक है। मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में पड़ती है मृतक घाटी। आगे विश्व का सर्वाधिक व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, और एक तरफ अमेरिका है दूसरी तरफ यूरोप है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से आवागमन बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है दोस्तों, जलधारा है ये, गर्म जलधारा है, और इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। आल्पस, आल्प्स जो है ये यूरोप की क्या है, पर्वत श्रृंखला का नाम है आल्प्स, ठीक है, यूरोप की। आगे संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों सबसे आर्द्र महाद्वीप की संज्ञा दिया जाता है, आर्द्र, ठीक है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो चीन है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है। सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल जो है कहाँ पर बिछाया गया है, तो ये पाकिस्तान में, हालांकि नहरों का, झीलों का देश जो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो फिनलैंड को कहा जाता है, लेकिन नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पूर्व का मोती किसको कहते हैं, तो श्रीलंका, उसका आकार भी एक मोती जैसा दिखता है, तो उसको पूर्व का मोती कहा जाता है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड, बंदरगाह, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड। आगे सर्वाधिक अंगूर और जैतून में उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो इटली दोस्तों इस मामले में आगे है अंगूर और जैतून में। किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं, तो पो नदी है दोस्तों वहाँ पर एक, उसको इटली की गंगा कहते हैं। आगे सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है, तो वैसे तो आपका अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में, बट मांस के निर्यात में दोस्तों अमेरिका का जो शिकागो वो भी बड़ा फेमस है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, सॉरी, कांगो देश को वनों का देश कहा, कौन कहा जाता है, तो अजाता, पता नहीं क्या लिखा है। आगे है नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित, तो फ्रांस में है दोस्तों ये नॉर्मैंडी बीच, ठीक है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों एटलस पर्वत, ठीक है। आगे विश्व का सर्वाधिकृत नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप है, सारे बड़े बड़े देश, अरे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इटली हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है, सब ये सब कितने हैं, सब यूरोप में ही, मेन मेन जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं वो सब कहाँ पर हैं, यूरोप में है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा, यूरोप। सन सिटी कहाँ स्थित है ये बताना आपको, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित माना जाता है सन सिटी। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, ठीक है, जैसे हरिकेन और टार्नेडो थे ये मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसको बिली बिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिली बिली। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखें 1971 में आज़ाद कराया था भारत ने पाकिस्तान से, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान दो पार्ट में था, एक पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, तो इसको अलग करा के एक नए देश के रूप में स्थापित किया गया बांग्लादेश को, और इसका सृजन हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आपका पेट भर गया हो तो बस करो, हाँ, आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 2-4 दिन करेंगे ऐसे वन लाइनर में, क्योंकि कई दिन से एक जैसे करते करते थोड़ा सा बोर हो गए थे, ठीक है, हम खुद भी बोर हो गए थे, और मुझे लगा आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा तो सब बड़ा सारा कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिए, और कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको स्किप मत करिए। देखिए मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं पढ़ा के, अब आप अपना फर्ज कितना निभा रहे हैं और मेरा कितना साथ दे रहे हैं, ये तो इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो पे जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे लिए आप सहयोग जो बनाए रखिए, और बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है आपके जीवन का, बस 1-2 मिनट मांगता हूँ मैं पर डे का, जब तक अभी कब तक, पूरा ज़िंदगी थोड़े दे दोगे हमको अपना 1-2 मिनट, इतने बड़े आप जो है दानी नहीं हो, ठीक है, कि अपना पूरा जीवन दे दो कि हाँ नितिन सर के लिए जो है मेरा जीवन हर रोज़ 5 मिनट मेरा कुर्बान है, कभी नहीं, इतना बड़ा दानी नहीं हो, मुझे भी पता है, ठीक है, और आपको भी पता है। हाँ जब तक जुड़े हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो कम से कम ये काम कर दो भाई, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बुरा मत मानिएगा किसी बात का, ठीक है, थैंक यू सो मच।